हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट आइटम ग्रुप इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आइटम ग्रुप मतलब दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा हम आइटम ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं। आइटम ग्रुप क्या होता है? आइटम ग्रुप मतलब दोस्तों, जैसे आइटम और आइटम ग्रुप। आइटम मतलब जैसे मान लो आप मोबाइल खरीदते हो, हाँ, तो मोबाइल क्या है दोस्तों? आपका एक ग्रुप है, पर मोबाइल के अंदर आप कौन कौन से मोबाइल खरीदते हो, दैट इज आइटम। जैसे कि मान लो आप वीवो के मोबाइल खरीदते हो, ठीक है, आप सैमसंग के मोबाइल खरीदते हो, तो क्या हो गया वो आपके, क्या हो गए दोस्तों, आइटम हो गए। अब वीवो और सैमसंग और ऑल्सो ए सब ग्रुप, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप भी बोलते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों, वीवो का खरीदते हो, वीवो भी एक ग्रुप है, पर उसे हम सब ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लो वीवो के अंदर आप आइटम खरीदते हो, वीवो A52, वीवो A51, मान लो उसके अलग अलग मॉडल खरीदते हो, ठीक है ना, एक ही आइटम के आप काफ़ी मॉडल खरीदते हो, तो वो क्या हो गए, जो आइटम है और उनका एक ग्रुप। ग्रुप मतलब जैसे मोबाइल खरीदते हो, सॉफ्टवेयर खरीदते हो, जैसे वेजिटेबल खरीदते हो, वेजिटेबल क्या है, एक ग्रुप है, पर वेजिटेबल के अंदर आप क्या करते हो, टोमेटो खरीदते हो, पोटैटो खरीदते हो, ठीक है ना, फ्रूट खरीदते हो, तो फ्रूट क्या है, एक ग्रुप है, पर फ्रूट के अंदर आप क्या करते हो, एप्पल खरीदते हो, बनाना खरीदते हो, पाइनएप्पल खरीदते हो, तो वो क्या हो गए, आपके ग्रुप हो गए। तो ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम अपने मुफी पे चलते हैं, सॉरी बीजी पे चलते हैं। बीजी पे जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं, यहाँ पे मास्टर में जाते हैं, मास्टर में जाने के बाद आइटम ग्रुप में जाते हैं और ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो मोबाइल क्या है, मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ से क्या करते हो, एलियास को छोड़ देते हैं। प्राइमरी ग्रुप क्या करते हैं, इसे हम नो कर देते हैं, और यदि यस करेंगे तो ये देखिए, यस करते ये सीधा नीचे आ जाएगा, ये देखिए, और मान लो हम यस नहीं करते हैं तो नो कर देते हैं। नो करने के बाद अंडर ग्रुप आते हैं, फिर यहाँ से इसे जनरल में डाल देते हैं, और यहाँ से मान लो आपके पास HSN कोड है, जैसे मान लो आपके चार कोड आते हैं, काफ़ी बार क्या होता है, चार कोड की कैटेगरी होती है, उसके अंदर आपके HSN होते हैं जो आठ कोड वाले होते हैं। जैसे मान लो क्लोथ्स है, तो क्लोथ्स का क्या हो गया, क्लोथ्स के लिए ओनली चार कोड होगा, लेकिन क्लोथ्स के अंदर शर्ट भी आता है, टी शर्ट भी आता है, जीन्स पैंट, तो उनके अलग अलग हो गए, तो वो आप यहाँ से पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे मोबाइल का आपको डिफाइन करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, रेट है आपके पास डिफाइन तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो और यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका ग्रुप बन गया, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, एक तो हमने मोबाइल का बनाया, एक ऐसे मान लो फ्रूट का और बनाते थे, फ्रूट फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट ही कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एलियास में, यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप में पहले हमने क्या किया था, नो किया था, अब यस कर देते हैं, यस करते ही ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ये सेव, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ग्रुप में जाने के बाद यहाँ से हम लिस्ट में जाते हैं और स्क्रीन करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए जो जो मैंने दोनों ग्रुप बनाए हैं वो यहाँ पे आ गए, ये देखिए जनरल, सॉरी फ्रूट और मोबाइल, ठीक है। मोबाइल किसके अंदर आ गया, मेरा इस जनरल के अंदर आ गया, ठीक है, ये अंडर ग्रुप हो गया, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मोबाइल को है ना, मैं क्या बोल सकता हूँ, प्राइमरी ग्रुप भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ से प्राइमरी ग्रुप कर दिया है ना, और यस है ना, ठीक है, और ये सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने मोबाइल को प्राइमरी ग्रुप कर दिया, अब क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे ऐड आता हूँ ग्रुप के अंदर, और जैसे मान लो मैं सैमसंग डालता हूँ, सैमसंग, ठीक है, सैमसंग डाल दिया मैंने आली एलियास, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे प्राइमरी ग्रुप में नो करूँगा, और यहाँ पे जो अंडर ग्रुप में मैं क्या डाल दूँगा, मोबाइल डाल दूँगा, मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल डाला और ये सेव कर दिया। अब जब भी मैं आइटम, जैसे ही इसके अंदर आइटम मतलब आइटम के अंदर मैं आइटम डालूँगा जैसे, तो वो क्या करेगा, वो आइटम पहले क्या करेगा, वीवो, जैसे मैंने वीवो मोबाइल ख़रीदा तो वीवो का मोबाइल दिखाएगा, फिर वीवो को उसके वीवो की कंपनी के अंदर, जैसे वीवो एक कंपनी है तो वीवो का सब ग्रुप बनेगा, फिर वीवो के बाद एक मोबाइल करके आपका मेन ग्रुप बनेगा। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। और आप आइटम जो ग्रुप है ना दोस्तों, वो आप रेट के आधार पे भी बना सकते हो, आप एसेसरी के आधार पे भी बना सकते हो, रेट के जैसे मान लो GST 12%, GST 18% वाले, GST
ऐसे करके भी बना सकते हो, आइटम एट दी रेट 18%, आइटम एट दी रेट 12% करके ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आइटम ग्रुप, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग एजू पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।